ना नहीं, बिल्कुल नया पीस है। पुराने की पहचान आपको यहीं से पता चल जाएगी, पुराने की वायरिंग कटी हुई होती है। इसका प्राइस आता है भैया 49,600। और वाली जो हमारी क्रोम वाली जो फिनिश आप देख रहे हो ब्लैक आती है, W8 में हमारी क्रोम वाली आती है, हमारी W8 वाली जाली रहने वाली टॉप मॉडल वाली रहने वाला। ये पूरा अमरेस्ट है हमारा, तो ये पार्सल ट्रे भी जो है महीना जर्मन आपको मिल जाती है। तो ये ब्रांड न्यू डब्बा पैक, स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल भी आपको मिल जाएगा। इसकी कॉस्टिंग है भैया 2,511 रुपये। सिक्कर मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ये सिक्कर जो है मैं आपको 5 साल की वारंटी वाला 4,000 में फिट करके दे दूंगा, कोई लेबर नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको ओरिजिनल MRP चेक करवा के 20% डिस्काउंट होगा। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आया हूँ नीलेश का एक्सेसरीज करोल बाग में, और अपने सामने हैं नीलेश भैया, और इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आज ये किस कार की एक्सेसरीज दिखा रहे हैं। तो नीलेश भाई कैसे हो? बढ़िया भैया। तो आज क्या दिखाने वाले हो? आज भी हम दिखलाएंगे SUV300 की सारी जेन्युइन एक्सेसरीज, जो जो है आपको रेट भी बतलाऊंगा, क्वालिटी चीज भी दिखलाऊंगा, सामान के प्राइस भी चेक करवाऊंगा, तीनों चीज बतलाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको महिंद्रा जेन्युइन और आफ्टर मार्केट दोनों चीजें। तो कौन सा पर्टिकुलर मॉडल जो है उसकी भी एक्सेसरीज की दिखाने वाले हो आप? W4 से लेके मान लो W8 तक आपको जाना ऑप्शनल तक, सारी एक्सेसरीज जितनी भी लगती है जेन्युइन भी आफ्टर मार्केट सारी चीजें चेक आउट करो। मतलब आज के इस वीडियो में अगर आपके पास XUV300 का चाहे बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल, सबके लिए कुछ ना कुछ एक्सेसरीज आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ आइडिया दे दो, क्या क्या चीज दिखाने वाले हो आप? W4 से बात करते हैं भैया, और W8 की आपको हेडलाइट, टेल लाइट, फॉग लाइट, DRL, पार्सल ट्रे, उसके बाद नीचे वाले ग्रिल, ठीक है, अंदर का आपका डोर डेम, सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको सब कुछ चेक करवा रहा हूँ। तो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और इस वीडियो की खासियत ये रहने वाली है कि इस वीडियो के अंदर प्राइस भी आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कोई भी हाइडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो प्राइस सामने रहेगा वो सारा कुछ प्राइस दिखाया जाएगा। और नीलेश भैया क्या देने वाले हैं अपनी तरफ से, उसकी भी बात हम लोग साथ ही साथ करते रहेंगे। सारी चीज़ आपको वीडियो में ही पता चल जाएगी, क्या MRP है, कितना प्राइस है और कितना डिस्काउंट दूंगा, सब कुछ आपको बता दूंगा। तो अगर आपके पास भी XUV300 हो तो वीडियो आप ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत काम आने वाली है वीडियो। तो नीलेश भाई सबसे पहले आप क्या दिखा रहे हो? सबसे पहले भी मैं आपको हेडलाइट से चालू करवाता हूँ, जो हमारा महिंद्रा जेन्युइन रहेगा, और जेन्युइन की पहचान भी आपको दिखलाऊंगा। ये हमारा महिंद्रा का डब्बा ऐसा नहीं है भैया कि इतना खाली है, कंपनी का ब्रांड न्यू पैक होगा, चेक करते रहना आप। ये भी हमारी हेडलाइट हो गई, ये हमारी हो गई क्या कहते हैं लो बीम, और ये हाई बीम। इसमें हेलोजन बल्ब आते हैं, किसी को अगर LED वगैरह अपग्रेड करवानी होगी तो वो भी ऑप्शन होंगे, वो भी चेक करवा दूंगा। ये आपकी DRL हो गई, तो ये प्रॉपर टॉप मॉडल वाली है, टॉप मॉडल वाली है, कोई पुराना नहीं, बिल्कुल नया पीस है। पुराने की पहचान आपको यहीं से पता चल जाएगी, पुराने की वायरिंग कटी हुई होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रॉपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और महिंद्रा के लोगोस भी इसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ है भैया इसमें, क्या कहते हैं, क्योंकि दूसरी गाड़ी में आपका लगेगा नहीं, महिंद्रा का लोगो भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो महिंद्रा, तो महिंद्रा का जो लोगो है आपको प्रॉपर यहाँ पे कास्ट हुआ नजर आने वाला है, और ये पार्ट नंबर नीचे, ये लोगो और ये पार्ट नंबर है हमारा। तो सारा कुछ अपना जेन्युइन मिलने वाला है यहाँ पे। और जैसे कि नीरज भैया ने बताया कि वायरिंग वगैरह भी इसके साथ अपने प्रॉपर है, सब तो कुछ। स्टार्ट करने से पहले वायरिंग का किस तरीके का हिसाब रहता है भैया? ये MRP है, इसमें वायरिंग लगती है, वायरिंग की कॉस्टिंग आपकी 3,000 रुपये की आती है, जिससे ये चालू होगी। उसके बाद आपको कोई लेबर नहीं देना, कुछ नहीं देना। इस सिंगल पीस की MRP की अगर हम बात करें तो MRP हमारी 7,490 रुपये। तो यहाँ पे क्लियरली बिल्कुल मेंशन है, पार्ट नंबर भी दिखा दिया, MRP भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये हेडलाइट हो गई, इसके बाद हम आते हैं W4 में जो हमारी लगती है फॉग लाइट। ये भी महिंद्रा जेन्युइन है, बॉक्स आपके सामने जो है अनबॉक्स किया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो महिंद्रा जेन्युइन, ये आपको मिलने वाला है। और ये अपनी देख लीजिए अपनी फॉग लैंप, और ये भी टॉप मॉडल चीज है आपको, ये हमारा महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आफ्टर मार्केट भी आता है, अगर आफ्टर मार्केट भी देखना तो मैं आपको वो भी चेकअप करवा दूंगा। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, दोनों ऑप्शन है, दोनों चीज़ मिल जाएगी आपको। अगर इसके हम MRP की बात करें तो इसके MRP अभी हमारी 1290 रुपये की, 1290 रुपये सिंगल पीस, सिंगल पीस, ये सिंगल सिंगल पीस मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। इसके बाद भी आप फॉग लाइट के बाद हमारी आती है W8 वाली, जो DRL जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती है देखने के अंदर भी। जब आप हेडलाइट लगवा दो तो भैया मेन, जब तक आप DRL नहीं लगवाओगे कोई फायदा नहीं, पूरी जो है ना इसके LCM में क्या कहते हैं राउंडिंग मंकी आती है, उस हिसाब से अच्छा लगता है। ये हमारी महिंद्रा की जेन्युइन, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। तो फिटिंग में कोई वायर कटिंग वगैरह नहीं, किसी भी चीज़ में कोई वायरिंग कटिंग नहीं होगी भैया, सारी वायरिंग हमारी प्लग एंड प्ले ही बनती है, ठीक है, सारी की वायरिंग होगी। और ये भी हमारा महिंद्रा जेन्युइन है, इसका अगर आप चेक करना चाहोगे लोगों तो ये दोगे महिंद्रा, और ये इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ है। तो प्रॉपर आपको क्लियर सारी चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, और इसका प्राइसिंग भी आप बता दीजिए। जी की इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो भैया 2,090 रुपये की हमारी सिंगल पीस की प्राइस है। एक यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो 2,090 रुपये, और वेट करिएगा अभी आपको इसके अंदर डिस्काउंट भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि वीडियो के MRP दिखा रहे हैं। हाँ, वीडियो के एंड में आपको कहते हैं पूरा डिस्काउंट भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो अभी आप MRP चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो आपको सारे चीज़ों के जो है डिस्काउंट बता देंगे, किस पे आपको क्या डिस्काउंट मिलने वाला है नीलेश भाई की तरफ से। जैसे कि भी आप सबको पता है W4 वाली जो हमारी क्रोम वाली जो फिनिश आप देख रहे हो ब्लैक आती है, W8 में हमारी क्रोम वाली आती है, हमारी W8 वाली जाली रहने वाली टॉप मॉडल वाली विद न्यू लोगों के साथ, विद न्यू लोगों के साथ। और इसका किसी भाई को अगर पुरानी वाली गाड़ी है, अगर नया लोगो चाहिए तो तीनों लोगो आपको मिल जाएगा, एयरबैग, डिग्गी और क्या कहते हैं फ्रंट ग्रिल।
तो मतलब अगर किसी का पुराना लोगो वाली गाड़ी है तो उसको नहीं भी वो करवा सकता है ना? उसको भी नेम आप करवा सकते हैं। अच्छा, इसका क्या प्राइसिंग रहता है? इसकी भी एमआरपी होती है 5450 रुपये, आपको जो होगा डिस्काउंट मैं आपको करके दे दूंगा। नीचे वाली गैरेज लिए हमारे परिवार सामने, इसमें मैं आपको खोल के चेक करवाता हूँ, जो पूरी जाली हमारी चेंज होती है वो चीज़ है। तो ये आ गई अपनी नीचे वाली जो ग्रिल है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और बेस मॉडल में आपको पता है कंप्लीट ब्लैक कलर की आती है, फुल ब्लैक आता है। तो इसमें आपको नीचे की तरफ जो है स्किट रेडी मिल रही है, ऊपर सिल्वर का इंसर्ट है, मतलब टॉप मॉडल वाली जो ग्रिल है महिंद्रा जेन्युइन वो भी आप लगा सकते हो। तो ये भी रहने वाली है। इसमें की प्राइस क्या रहता है? इसका प्राइस रहता है भैया 4967। तो यहाँ पे आप इसको प्रॉपरली क्लियर पढ़ सकते हो, तो इस प्राइस रेंज में ये आपको मिल जाती है। तो ग्रिल भी आप यहाँ पे देख लीजिए, तो कोई पीस अपना पुराना तो नहीं रहता? नहीं भैया, सारा डब्बा पैक होगा। डब्बा पैक आप खुलवाइए अपने सामने, डब्बा पैक लगवाइए, ऐसा कुछ नहीं, डब्बा खुला हुआ मिलेगा, डब्बा पैक ही मिलेगा आपको। लॉक अनलॉक में फोल्डिंग वाला ORBM, गाड़ी लॉक करो तो लॉक होगा, अनलॉक करो तो अनलॉक होगा। ये तो इसके अंदर एडजस्टमेंट और अपना फोल्डिंग दोनों चीज आपको मिल जाएगी। तो और साथ ही साथ की के साथ भी सिंक रहने वाला है? की के साथ लॉक अनलॉक आपका होता रहेगा। तो मिरर कितने में अपडेट करके देते हो नीरज भाई? एक सिंगल मिरर की MRP हमारी 4967 रुपीज़। इसका डबल पेयर हो जाएगा, एक रिले लगेंगी और एक स्विच लगेगा आपका। तो ऑलमोस्ट आपको 12-12.5 हज़ार में फिटिंग करके आपको लग जाएगा। 12 हज़ार में मांग के चलो, फिटिंग करके मैं आपको लगा के दे दूंगा ये चीज़। विद फिटिंग टॉप मॉडल वाला अपना आउटसाइड रियर व्यू मिरर आप लगवा सकते हो 12 हज़ार। ये हमारी W8 वाली टेल लाइट, आपको पता है W4 में हमारी आधी जलती है, पूरी वाली है, मतलब जो आपका डिग्गी में लगा रहता है छत के ऊपर, जैसे आप डिग्गी खोलते हो अंदर वाली, ये वो चीज़ है आपकी। मतलब स्प्लिट टाइप के इसके अंदर टेल लैंप आती है, हाफ पोजन जो है वो रनिंग कंडीशन में रहता है बेस मॉडल के अंदर, और बाकी जो है वो ग्लो नहीं करता। ये हमारी W8 वाली टेल लाइट, W4 में ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये चीज़ वर्क नहीं करती हमारी। तो यहाँ पे ये भी वर्क करने वाली है और ये LED में रहने वाली है। LED तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। और इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, तो सिंगल पीस का प्राइस 3479 रुपीज़ का रहने वाला है। और इसका भी लोगो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने टेल लैंप के अंदर, ये रहा। तो ये अपना कंप्लीट आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, सारा पार्ट जो आपको गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा, और सारा कुछ अपना ओरिजिनल रहने वाला है और न्यू रहने वाला है, सारा न्यू डब्बा पैक होगा, कोई भी डब्बा खुला हुआ नहीं होगा। तो अगर कोई मार्केट में आपको सस्ता प्रोवाइड कर रहा हो तो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि वो पुराना भी हो। बाकी नेक्स्ट क्या भाई? ये हमारा रहने वाला भी पीछे का स्किट प्लेट, जो आपका W4 में W6 में ब्लैक आता है, W8 में आपका सिल्वर आता है, लुक पीछे से काफी अच्छा कर देता है। तो पीछे ये से आपका कहते लगेगा बम्पर पे। तो ये भी महिंद्रा जेन्युइन है? ये भी महिंद्रा जेन्युइन है और ये महिंद्रा का यहाँ लोगो है। तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। तो सारी चीजें जेन्युइन हम लगा रहे हैं। इसकी क्या कॉस्टिंग आती है? इसकी भी कॉस्टिंग आएगी आपको 1900 रुपए की। 1900 रुपए में ये भी अपना लग जाएगा, लग जाएगा। तो सारी बात हो चुकी है एक्सटीरियर एक्सेसरीज की, आप दिखाते हैं इंटीरियर एक्सेसरीज। और इंटीरियर में सबसे जरूरी आर्मरेस्ट नहीं आता लोअर वेरिएंट्स के अंदर, W4 W6 दोनों में नहीं आता, सिर्फ W8 में आता, तो उसी के लिए आपका ये आर्मरेस्ट है। ये भी महिंद्रा जेन्युइन ओरिजिनल रहने वाला है, कोई आफ्टर मार्केट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जैसा कि आपको भी मैंने दिखाया, ये हमारा W6 का जो W8 का आर्मरेस्ट रहने वाला है, ये पूरा आर्मरेस्ट है हमारा, और ये भी ब्रांड न्यू महिंद्रा जेन्युइन रहने वाला है। इसकी अगर हम फिटिंग की बात करें तो ये इसकी फिटिंग है, जो बहुत बंदे इसका एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं, पर ये ऐसा कुछ नहीं होता, डब्बे में पैक आता है। यहाँ पे पूरा कंसोल जो है वो चेंज होने वाला है स्टार्टिंग से एंड तक। हाँ जी। और यहाँ पे पूरा जो आर्मरेस्ट सेटअप है वो रहेगा, और आर्मरेस्ट भी टॉप मॉडल वाला ही है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, कुशनिंग मिल जाएगी, नीचे की तरफ अपना जो स्पेस है वो आपको मिल जाएगा, सेम टॉप मॉडल वाला ही आर्मरेस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो किसी को ये लगवाना हो नीरज भाई सिर्फ खाली आर्मरेस्ट, तो कितना टाइम लगता होगा उसको लगाने में? 20 मिनट, जस्ट 20 मिनट। तो 20 मिनट के अंदर ये आर्मरेस्ट भी लग जाता है। ये जो आर्मरेस्ट है वो भी लगवा सकते हो, क्योंकि आर्मरेस्ट अगर आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाते हो, आपकी गाड़ी का यूज रहता है, तो एक हाथ आपका फ्री रहेगा अगर आपकी गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट नहीं है। तो मेरे हिसाब से काफी जरूरी एक सीरीज है जिसका आप इंस्टॉलेशन करवा सकते हो। आफ्टर मार्केट वाले जो आर्मरेस्ट है वो XUV300 में बराबर बैठते नहीं है, तो ये जो है एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो भी जेन्युइन। क्या प्राइसिंग रहती है इसकी? इसकी भी MRP है 7100। बहुत बंदे इसका 7600 रुपये चार्ज करते हैं, पर मैं फिटिंग करके बता रहा हूँ आपको, 6800 में लगा के दे दूंगा प्रॉपर करके अपना सारा काम, वो भी जेन्युइन वाला। अगर MRP की बात करें तो MRP चेक आउट करवा देता हूँ आपको मैं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने बताया अपने को हुआ, ये 7100 इसकी MRP है। बहुत बंदे इसका 7600-7700 चार्ज करते हैं। और जिस ब्रैकेट की नीरज भाई बात कर रहे थे वहाँ क्लियरली मेंशन नहीं, क्योंकि दो पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो सारा कुछ में अपना कंप्लीट होकर के आता है। तो नेक्स्ट एक्सेसरीज अपनी पार्शल ट्रे रहने वाली है, जो कि आपको W4 W6 दोनों के अंदर नहीं मिलती है। तो ये पार्शल ट्रे भी जो है महिंद्रा जेन्युइन आपको मिल जाती है। तो नीलेश भाई इसकी क्या प्राइसिंग रहती है? इसकी भी अगर हम MRP की बात करें तो 1965 रुपये की इसकी MRP पड़ेगी, आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। और ये भी आपको डब्बा पैक मिलेगा, डब्बा खुला हुआ ये भी नहीं मिलेगा आपको, तो कंप्लीट ओरिजिनल रहने वाला है। कंप्लीट जिन भाइयों को लगवाना है तो वो भी लगवा सकते हैं ओरिजिनल अपनी। आफ्टर मार्केट में भी अपने पास ऑप्शन रहता है? आफ्टर मार्केट में भी आप वुडन वाला आता है जो लकड़ी वाला होता है, पर उसमें यही है
ये आप भारी रहती है ना, हैवी रहता है, कुछ दिन में आपका लॉक वगैरह टूट जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो जैसा भी आप सबको पता है W4 में हमारा स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल नहीं आता, तो ये ब्रांड न्यू डब्बा पैक स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल भी आपको मिल जाएगा। कहीं से यूज़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत बंदे इसे भी पुराना लगाते हैं, पर ये आपको डब्बा पैक मिलेगा। ये आपका स्टीयरिंग कंट्रोल हो गया और ये इसकी पूरी वायरिंग किट होगी, जिससे कोई भी वायरिंग आपकी कटिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। और वायरिंग भी महिंद्रा जेन्युइन है, सील्ड पैक ये भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको रहने वाला है। महिंद्रा जेन्युइन लगाएंगे और प्रॉपर आप इसका जो लुक है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आ रहा है। सेम वही रहने वाला है ना, सेम जो कंपनी से आते हैं W6 W8 में सेम वही रहने वाला, कोई फर्क नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये आप लगवा सकते हैं। इसकी क्या कॉस्टिंग आती है नीलेश भाई? इसकी कॉस्टिंग है भैया 2511 रुपये और वायरिंग की कॉस्टिंग MRP आएगी 394 रुपये की। और ये जो अपना कंट्रोल दोस्तों, इसके अंदर आपको जो है ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल दोनों ही इसके अंदर मिल जाएंगे, जिस तरीके से आपको अपर मॉडल्स के अंदर कंपनी ऑफर करती है। और इसके कंट्रोल के लिए भी आप जो है वेट करिए, सारी चीज़ों का डिस्काउंट जो है वीडियो के एंड में आपको मालूम होगा। वीडियो के एंड में सबका आपको डिस्काउंट बताएंगे, कैसे कैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा MRP के ऊपर, और सब आपको बताएंगे। तो दोस्तों खाकी डब्बों के बाद बारी आ चुकी है वाइट डब्बों की, इनमें क्या है? ये हमारा भैया W1 के लिए जो डोर डेम लगता है, W4 वगैरह W6 पे जो नहीं आता, आपने देखा होगा W4 और W6 में आपका ब्लैक रहता है। तो टॉप मॉडल में जैसे कि हम जा रहे हैं, जैसे हमने शो किया सब कुछ हो गया, उस हिसाब से ये W8 वाली डोर डेम है जो हमारे हैंड के लिए होता है। और इसमें कुशनिंग भी रहेगी, कुशनिंग भी होगी आपकी, सब कुछ होगा। और ये ऐसा कुछ नहीं भैया, बंद पूरा डब्बा पैक आएगा, ये पूरा क्या एकदम देखिए कहाँ का पीस है। जैसे कि आप W4 में देखेंगे ब्लैक वाला पीस होता है हमारा, ठीक है, ये ब्लैक वाला पीस है, ये चेंज हो के हमारे W8 वाले कुशनिंग कहते हैं वाले पीस है पूरे। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसमें कुशनिंग भी है, तो ये भी है, तो ये भी जेन्युइन चीज़ है, ये भी महिंद्रा जेन्युइन है, ये भी आफ्टर मार्केट नहीं है। बहुत बंदे क्या करते हैं, पुराना उतारते हैं, इस पर लेदर लगा देते हैं, पर ये लेदर नहीं लगा, कंपनी से आप देखेंगे पूरी पेस्टिंग हो रखी है और पूरा महिंद्रा का लोगो लगा हुआ है। तो वो जो पेस्टिंग करके लगा देते हैं आफ्टर मार्केट में, उनकी ज़्यादा कोई लाइफ तो होती नहीं होगी। पेस्टिंग वाली की लाइफ कहाँ से होगी भैया, फेविकोल में पेस्ट होता है वो मान लीजिए आपके 3-4 महीने में चले जाएगी, खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है, कंपनी के हिसाब से यहाँ पतले देखेंगे कितने लॉक लगे हुए हैं, कितने टॉप मॉडल वाला काम है जो कि लाइफ टाइम आपका चलता रहेगा जब तक आपकी गाड़ी है। हम भी MRP की बात करें तो इसकी MRP हमारी 1540 रुपये, ये आप चेक कर लेंगे 1540 रुपये में। ये अपने चारों डोर एक ही डब्बे में चारों पीस आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग पीस है, देखिए 1 2 3 और ये 4, मतलब कि 1540 रुपये में आप टॉप मॉडल फील इससे ही ले सकते हो। जैसा कि भी आपको सब कुछ दिखलाई दिया, ये बचा हुआ हमारा आखिरी पीस महिंद्रा जेन्युइन में जितने भी है, ये है एंटी स्लिप मैट। तो जैसे कि आपको पता है हमारे डोर वगैरह में जो स्पेस रह जाते हैं सारे वहाँ के मैट है, सब पे बैजिंग है SCV 300, ये 11 पीस रहते हैं, 4 आपके डोर पे होंगे, 2 आपके कंसोल में होंगे, 3 आपके डैशबोर्ड में होंगे। एंटी स्लिप मैट जो है वो है ये अपने, यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हो। तो ये सारी जगह पे 11 पीसेज होते हैं हमारे सारे टोटल, सब पे बैजिंग होगी SCV 300 की। और इसकी अगर MRP की बात करें तो 550 रुपये की इसकी MRP होती है। तो इसको लगाने से एक तो लुक भी अच्छा आएगा, दूसरा कैबिन भी आपको काफ़ी अच्छा वेल ऑर्गेनाइज लगेगा, जितने भी आपके पेंच वगैरह कुछ भी दिखने वाले होंगे कुछ भी इससे आपको दिखेंगे और लुक भी अच्छी आ जाती है। तो अब बात सारी हो चुकी है महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरीज की, अब बात कर लेते हैं कुछ आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज की, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं आफ्टर मार्केट के अंदर? आफ्टर मार्केट में भी हम जैसे कि सीकर हो गया, स्टेयरिंग कवर है, फ्लोरिंग है, मैट है, एम्बियन लाइट वगैरह हो गई, रूफ रेल है, स्पॉइलर वगैरह सारी डोर वाइज आफ्टर मार्केट में। महिंद्रा जेन्युइन को भी महिंद्रा जेन्युइन भी मिल जाएगी, पर महंगी पड़ती है, कोई फायदा नहीं उसे लगवाने का इतना। तो हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे आप आफ्टर मार्केट चूज कर सकते हो। हाँ, इन चीज़ों में आफ्टर मार्केट ज़्यादा बढ़िया। जैसे कि आप पार्क करें भी हम स्पॉइलर की करते हैं तो उसमें डेल होकर लगता है, बाई चांस पानी वगैरह जाने का खतरा है, रूफ रेल लगाते हैं उसमें भी क्या डेल होता है, तो उस हिसाब से कोई फिटिंग नहीं आती और पानी की लीकेज होता है, इसलिए आफ्टर मार्केट ही ज़्यादा बेस्ट है। तो पेस्टिंग वाला इसमें काम आता है। तो चलिए दिखाइए क्या क्या चीज़ें हैं आफ्टर मार्केट के अंदर। आफ्टर मार्केट में भी आप बात करते हैं, पहले हम सीक कवर की, जो कि W4 W6 वगैरह में लग के नहीं आता, और सीक कवर की मैं आपको क्वालिटी चेक करवा देता हूँ। और सीक कवर मैं खुद ही बनाता हूँ, मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, बने हुए भी आपको 9-10-15 सैंपल मिल जाएंगे, 10-15 सैंपल, और अगर नहीं समझ में आता है जैसा आपको वैसा बनवा भी दूंगा ऑन ऑर्डर पर, वो भी ऑप्शन है मेरे पास। मतलब कोई भाई अपने साथ एक फोटो लेकर के आता है तो उसके हिसाब से भी आप कस्टमाइज, जैसा डिजाइन आपको चाहिए, जो डिजाइन चाहिए आप फोटो दीजिए, आपकी अपनी कलर चॉइसिंग है, अपनी कलर चॉइसिंग जो मेरे पास बने हुआ, उसमें नहीं समझ में आता मैं बनवाने का भी ऑप्शन है मेरे पास, 3 घंटे में कवर भी बन जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले भैया की फैक्ट्री भी है वहाँ पे भी देखो कैमरे में नजर आ रहा होगा, नीचे सारा काम जो है चलता रहता है। तो भैया सबसे पहले सीट को आप दिखाइए किस तरीके की क्वालिटी आती है इसकी। भैया ये आफ्टर मार्केट में आ गया, जैसे कि ब्लैक एंड रेड, बहुत बंदे कहते हैं भैया मुझे रेड में चाहिए, तो ये ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन है, एक ये हो गया भैया, फिर ये सिलाइयों का जो डिजाइन चेंज हो गया ब्लैक एंड रेड, फुल क्रीम जैसे टॉप मॉडल में आता है आपका, मतलब डिजाइन टॉप मॉडल वाला नहीं है, अलग है, पर फुल क्रीम जो आपका टॉप मॉडल में आता है ऐसे के लिए वो हो गया ब्लैक एंड ऐसे के लिए 3D पैटर्न में जो आपका डैशबोर्ड ब्लैक हो गया और ये आपका क्रीम कलर के लिए जो हो गया वो डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ।
सेम भी आपका डबल टोन में ब्लैक एंड आइसर के लिए डैशबोर्ड और आपके डोर से मैच होता हुआ। और ये पंचिंग है, ये डॉटेड है एयर पासिंग के लिए। पर ये भैया बहुत बंदे कहते हैं वेंटिलेटेड, कोई वेंटिलेटेड नहीं होती भैया, वेंटिलेटेड आपके सीट में होनी चाहिए, कवर से कोई मतलब नहीं होता। जस्ट ये थोड़ा सा दिखाने वाली बात है लुक, हाँ ये आप दिखाना कह लो चाहे लुक कह लो, ये लुक के पर्पज से है, आपके वेंटिलेटेड में नहीं काम आएगा ये। एक ये फुल ऐसे के में आपका डिजाइन है नीरज भाई, जितनी आप सीट को दिखा रहे हो सारे ये फुल बकेट रहने वाले, फुल बकेट में रहने वाले। फुल बकेट की पहचान मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत बंदे क्या कहते हैं भैया फुल बकेट ही कहते हैं। ये पीछे चैन लगा होगा, पीछे ओरिजिनल पैटर्न होगा, और इसमें क्या है इसमें आप चेकअप करेंगे ना तो ये जैसे आपकी सीटिंग है तीनों तरफ वायर आएगी आपकी फुल बकेट के अंदर, फुल बकेट के अंदर जैसी आपकी ओरिजिनल सीट है आप ओरिजिनल सीट के हिसाब से चेक करेंगे, पूरा आपका जैसे कर्व है उसी हिसाब से बना हुआ होता है कवर। सेमी में ये चीज़ आपकी सीधी आ जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले प्राइस बता दीजिए क्या रेंज रहने वाली है भैया। सिक्योर मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये सिक्योर जो है मैं आपको 5 साल की वारंटी वाला 4000 में फिट करके दे दूंगा, कोई लेबर नहीं कोई कुछ नहीं, बाकी चॉइस आपके ऊपर है, बनवाना है तो इससे हैवी क्वालिटी भी है, इससे नीचे आओगे तो सेमी बकेट में आपका 2500-3000 से कवर स्टार्ट हो जाएगा। तो इतनी मतलब आपके पास अट्रैक्टिव रेंज आप कह सकते हो ये अपने में समझ जो है। मतलब 5 साल की वारंटी है, पपड़ी बन गई सिलाई चला गया, 5 साल की वारंटी होगी, 4000 में मैं चेक कर लगा के आपको दे दूंगा बकेट वाले। तो यहाँ पे आप क्वालिटी भी देखो काफी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और भी पैटर्न अपने पास है, पैटर्न भी मैं क्या कहूँ 10 सेट एनी टाइम आपको बने हुए मिलेंगे ऐसे के जमीन, जैसे मैंने आपको दिखाया एक ये था, एक ये हमारा दूसरा वाला डिजाइन था जो कि रनिंग जो रनिंग हमारा W8 वाला ऑप्शन आता है सेम, एक ये पैटर्न हो गया ऐसे के अंदर, ठीक है ब्लैक में मैंने आपको 2-3 दिखला दिए, एक ये हो गया हमारा ब्लैक एंड क्या कहते हैं लाइट सिल्वर कलर, एक भी हमारा ऐसे के में ये पैटर्न भी है ये भी मिल जाएगा आपको, और एक ब्लैक एंड वाइट 3D अगर आप लेते हैं तो ये भी बहुत प्यारा लगता है गाड़ी के अंदर, ये भी मिल जाएगा। तो इतनी सारी वैरायटीज वो रेडीली अवेलेबल वाली बात करी है, ये सारी रेडी वाली है, फिर बाकी ऑप्शन आपके पास है, आपका कलर चॉइस डिफरेंस है उस हिसाब से रेडी भी हो जाएगा। जैसे कि भी मैंने आपको सिक्योर दिखाया उसका आते हैं नीचे फ्लोरिंग पे, फ्लोरिंग में एक हमारे पास ये ऑप्शन है जो बनता है सिलाई वाला, अगर इसके प्राइस की बात करें तो 1200 रुपये की पड़ेगी ये सिलाई वाली, ये सिलाई वाली है, ये अपनी वाटर प्रूफ भी नहीं होती क्योंकि इसमें सिलाइयाँ होती है, जगह जगह आपके सुराग होते रहेंगे तो वाटर प्रूफ नहीं होगी ये, और इसकी जो फिटमेंट है वो बिल्कुल फ्लोर के ऊपर प्रॉपर नहीं आएगी। ये हमारी डाई वाली फ्लोरिंग है जिसे हम कोको डाई कहते हैं। तो ये पैटर्न आप देख लीजिए और इसकी थिकनेस में ये आप यहाँ पे इसकी थिकनेस देख लीजिए, दोनों की थिकनेस में फर्क है, इसकी थिकनेस देख लीजिए दोनों के थिकनेस में काफी फर्क आता है। और ये डाई वाली है तो जिस तरीके का फ्लोर है उस तरीके से कास्ट होकर बनती है, उसी तरह से बनता है, और इसकी फिटिंग क्या होगी भैया डाई बना हुआ है तो जहाँ हमारे बोल्ट वगैरह टाइट होता है वहाँ कहीं पे भी सलवट नहीं आएगी, और इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये 2000 में फिटिंग करके मैं आपको लगा दूंगा। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास सिलाई वाली भी और डाई वाली भी, तो दोनों ही आप लगवा सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। तो मैटिंग वगैरह क्या रहता है इसके ऊपर, मैटिंग इसका भी आपका 5D है, GFX है, नॉर्मल किसी को ग्रास मैट रखना है, तीनों चार ऑप्शन मिलेंगे, जो आप आओगे काउंटर पे आपको चेक करवा दूंगा, ठीक है सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे W4 में आपका कहते हैं सिस्टम लग के नहीं आता, स्पीकर वगैरह कुछ भी नहीं आते लग के, तो मेरे पास आपको सारी कंपनी के एंड्रॉइड मिल जाएंगे, निपॉन है, ब्लॉकबस्टर है, जीरोग्राफ्टी है, GT9 है, पैनासोनिक है, गीगासोनिक है, स्मार्टसोनिक डेप्स, उसके बाद भी स्कॉर्पियो, किसी को हाइपरसोनिक वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ऑप्शन आपको एनी टाइम 10 से 15 कंपनी मिलेंगी दुकान पर। खोल के इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि दिखने में सारे जैसे रहते हैं, खोल के अगर कहोगे तो भैया मैं एक पीस दिखला दूंगा जो आपको होगे, बाकी क्या कहते हैं दिखला देता हूँ क्योंकि देखने में सारे जो भी कंपनी होगी सब एक जैसे ही रहेंगे, बट इनके प्रोसेसर अपनी जो कंपनी के प्रोसेसर चिप होती है वो अलग अलग तरीके की होती है जी। तो XUV300 के लिए कौन सा मतलब स्क्रीन साइज रहता है, 9 इंच लगता है हमारा जो भी है XUV300 के लिए। तो ये मैं आपको निपॉन का दिखला रहा हूँ, यहाँ आपको निपॉन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, इसका एंड्रॉइड 9 प्रो है, मॉडल नंबर एप्पल कारप्ले भी दिए। तो नीलेश भाई इसके अंदर बताइए कि आफ्टर मार्केट जब भी कोई बंदा जाता है तो बड़ी टेंशन होती है उसको वायर कटिंग की, भैया इसमें वायरिंग कटिंग कुछ नहीं होती, पूरे कहते हैं इसके फीचर में कपलर बने हुए आते हैं, ये पूरे इसके कपलर हैं, ऐसे ही इसका फ्रेम जो लगेगा जिस पर टाइट होगा ये पैनल, उसके फ्रेम के साथ पूरी कपलर आती है, मैंने वीडियो पहले भी डाल रखी है, वीडियो में चेक कर लेना, किसी भी तरह का कोई कपलर नहीं कटा हुआ मिलेगा। तो ये पूरी वायरिंग वगैरह के साथ आती है, और कंपनी इतनी बड़ी ब्रांड की आप खुद भी देख सकते हो, ब्रांड बड़ा हो या छोटा हो कोई भी आपकी वारंटी के साथ नुकसान करना नहीं चाहता, किसी भी तरह का आपको वारंटी में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि भैया देखिए सबको पता है अगर 2-4-500 रुपये कमाने के चक्कर में किसी का कोई नुकसान करना नहीं चाहता, चीज़ बढ़िया होगी, वारंटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी इन सिस्टम की भी वारंटी मैं दूंगा, अगर आप ये सोचो वारंटी खत्म होगी तो मैं अपनी तरफ से भी वारंटी दूंगा जिसके वहाँ को वारंटी आती है। तो जैसा कि मैंने आपको एंड्रॉइड दिखला दिया, इसके बाद हमारे कैमरे में भी मिल जाएगी, 4-5 कंपनी एनी टाइम मिलेगा जो भी होगा,
आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, कैमरा जो हमारा लगेगा लोगों के नीचे लगता है, जैसे कि आप डिग्गी उठाओगे ना जो कंपनी देती है लोगों के नीचे, कैमरा हमारा वहीं लगा हुआ रहेगा, ये नहीं बम्पर में हम सुराख करेंगे। तो ये HD होगा, किस तरीके का HD कैमरा होगा, प्लस मूविंग कैमरा होगा 180 डिग्री वाला। स्टेडिंग मूव करेंगे तो कैमरे की गाइडलाइंस भी मूव होगी, उस हिसाब से कैमरा लगाते हैं। किसी को 360 चाहिए, 360 भी हमारे पास, वो भी मिल जाएगा, तो भी ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए सिस्टम भी उस तरीके का होना चाहिए, उसके लिए सिस्टम भी आपका कहते हैवी होना चाहिए। उसमें आपके दोनों मॉडल है, उसमें आपका T5 भी मिल जाएगा, 4 GB रैम, 32 GB, 4 GB, 64 GB दोनों आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपका 360 लगेगा। तो वो तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है, किसको कैसे रिक्वायरमेंट, वो आपके रिक्वायरमेंट। तो सिस्टम के बाद स्पीकर भी जरूरी है, सिस्टम के बाद भी स्पीकर में आपको सारी ऑलमोस्ट मान लो 12-15 कंपनी मिल जाएगी, JBL है, इन्फिनिटी है, रॉकफोर्ड है, ब्लोपंक है, सारी कंपनी मिल जाएगी। जो आप आओगे काउंटर पर आपको चेक करवा दूंगा, जो भी होगा सारा चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का म्यूजिक अपनी गाड़ी के अंदर चाहते हो, उस तरीके के स्पीकर जो है वो आप लगवा सकते हो। हर एक ब्रांड का स्पीकर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्पीकर के अंदर कोई भी आपको कमी नहीं है, स्पीकर की भी वारंटी वगैरह मिलती है, सबकी वारंटी भी, आप आफ्टर मार्केट जो भी सामान लोगे सबकी वारंटी होगी। कंपनी से चाहिए कंपनी से, मेरे पास आगे चाहिए मेरे पास से मिल जाएगी, आपको बिल चाहिए बिल भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा काम जो है जेन्युइन पक्के तरीके का होगा। इसके बाद भी आपको मैं डोर वाइजर, रूफ रेल और स्पॉइलर भी चेक करवा देता हूँ, और साइड बिल्डिंग भी चेक करवा देता हूँ, जो वो भी कंपनी का ही होगा, वो भी कोई लोकल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता भी है W4 में हमारा रूफ रेल नहीं आता, तो आपको रूफ रेल भी मिल जाएगा, सिल्वर एंड ब्लैक दोनों ऑप्शन देंगे, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा एनी टाइम। तो ये क्वालिटी का रहती है, ABS होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों पैटर्न अवेलेबल हैं, दोनों ही 300 के प्रॉपर हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया भी, हमारी टेप पे पेस्टिंग होती है, टेप और प्लस यहाँ हम सिलिकॉन लगा के करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन जो हमारा शीशा लगाने के लिए होता है ना, हम उससे पेस्टिंग करते हैं, इसकी पकड़ खराब ना हो, जल्दी उतर जाना। ये बहुत बंदे क्या करते हैं, सिर्फ टेप पे लगा देते हैं, जो कुछ टाइम बाद उतरने लग जाता है। तो सिलिकॉन के साथ जो है इसकी पकड़ बहुत अच्छी बनी रहती है, हैवी पकड़ हो जाएगी, जितना मर्जी हिला लो ये आपका उतर जाएगा नहीं, फिर तो लॉन्ग लास्टिंग काम जो है हो जाएगा। इसके बाद भी हम आपको W4 के लिए और W6 के लिए आपको स्पॉइलर, जैसा कि आप सबको पता भी है W4 W6 में हमारा स्पॉइलर नहीं आता, तो ये हमारा स्पॉइलर है, इसमें आपको सारे कलर मिल जाएंगे, ब्लैक, व्हाइट, एक्वामरीन, ठीक है, सारे कलर आपको मिल जाएंगे। तो जो सा आपकी गाड़ी का कलर है वो आप चूज कर सकते हो। ये आपकी गाड़ी के हिसाब से 4 कलर आते हैं, ब्लैक, व्हाइट, एक्वामरीन एंड चेरी रेड, आपको चारों कलर आपको एनी टाइम शॉप पे मिल जाएंगे। और इसकी क्या क्वालिटी रहती है? ये भी हमारा ABS रहने वाला है, सेम ABS क्वालिटी, बीच में हमारा ब्रेक लाइट भी होगा, वो भी आपका चालू होगा। W4 में हमारा डोर वाइजर नहीं आता है, डोर वाइजर है, ये गैलियो कंपनी का रहने वाला है, और ये क्रोम लाइनिंग के साथ है। इसमें क्रोम प्लेन आपको चाहिए, क्रोम भी मिल जाएगा, प्लेन भी मिल जाएगा, और किसी को यहाँ ऊपर से क्रोम वाली चाहिए वो भी मिल जाएगी, तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। और एक गैलियो कंपनी का, ये गैलियो कंपनी का है तो बढ़िया ही, आपको पता ही, गैलियो ब्रांडिंग है, बहुत प्यारी और बहुत पुरानी ब्रांडिंग है। क्रोम और इसकी सबकी आपको वारंटी मिलेगी, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आता इसमें। अगर इसके हम MRP की बात करें तो भैया MRP हमारी 1600 रहने वाली है, और इस MRP पे आपको मैं 30% का डिस्काउंट दे दूंगा। MRP आपको मैं दिखा देता हूँ क्लियर, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। तो चारों दरवाजों के रहेंगे, चारों डोर की 1600 MRP है, 30% का इस वाली डोर वाइजर पे, गैलियो वाले पे मैं आपको दे दूंगा। और किसी को अगर विदाउट क्रोम चाहिए तो अपने पास विदाउट क्रोम वो भी मिल जाएगा, विदाउट क्रोम आपको 400 का मिलेगा, और जो क्रोम वाला जो आता है लोकल के अंदर, लोकल क्रोम वाला आपको मैं 700 का दे दूंगा लगा के। अच्छा, क्रोम वाले में भी अपने पास दो क्वालिटी, ये तो कंपनी का है, क्रोम वाला जो होगा लोकल होगा, कोई कंपनी नहीं होगा, कुछ नहीं। ये भी हमारी साइड बिल्डिंग रहने वाली है, ब्लैक के ऊपर क्रोम लाइनिंग, जैसे कि आप डोर वाइजर लगवाते हैं क्रोम वाला तो ब्लैक के ऊपर क्रोम, और W4 W6 में यही सब लगता है, ये साइड बिल्डिंग हमारी। तो ये भी आप लगा सकते हो, ये भी लगवा सकते हैं, किसी को चाहिए। सारी आफ्टर मार्केट भी ओरिजिनल अपनी नहीं आती, और ओरिजिनल जो आती है वो नीचे की ब्लैक वाली आती है। बाकी फुल क्रोम किट चाहिए तो फुल क्रोम किट भी मिल जाएगी, ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल भी, आफ्टर मार्केट चाहिए आफ्टर मार्केट भी। तो जैसा आप सबको पता भी है W4 में हमारी सेंटर लॉकिंग नहीं आती, तो आपको सेंटर लॉकिंग भी मिल जाएगी, आपको SPG है, टॉर्क है, किसी को RD चाहिए RD भी मिल जाएगी, और जो आपका W6 वाली चाबी आती है ना महिंद्रा जेन्युइन वाली, तो वो भी मिल जाएगी। और अगर आप RD लगवाओगे तो RD भी लग जाएगी, W4 में कंपनी भी जो लगाती है RD लगाती है, तो RD कहोगे RD भी मिल जाएगी। तो वारंटी वगैरह क्या रहती है भैया? तीनों जो कंपनी है तीनों की 3 साल होगी, डोर टू डोर आपको तीनों की सर्विस मिल जाएगी। तो तीन ऑप्शंस अपने पास है। तो अब लास्ट एक्सेसरी बचती है अपनी, ये है अपने क्या चीज़ है नीलेश भाई? ये हमारा भैया डिफ्यूजर रहने वाला है, जैसे कि W6 वगैरह में क्या आप देखेंगे, W8 में हमारी नीचे वाली जो सिल्वर आती है, बहुत बंदे अगर ग्रिल नहीं लगवाना चाहते तो उनके लिए ये ऑप्शन भी है। ये फ्रंट वाला डिफ्यूजर भी लगा सकते हैं, जैसे कि पीछे आपको स्किड प्लेट दिखलाई थी, ये पीछे के लिए डिफ्यूजर प्लस क्या है हमारा लुकिंग के लिए भी, ये मफलर डिजाइन भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये आफ्टर मार्केट है, ये आफ्टर मार्केट है, और ये आफ्टर मार्केट तो है लेकिन इसका जो लुक आता है ना वो काफ़ी रोबस्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये स्टाइलिश भी लगता है, रोबस्ट लुक ऑफर करता है। और इसकी क्वालिटी क्या रहती है? ये भी सारे ABS में होते हैं जितने भी है, तो ABS क्वालिटी है, तो इसका मतलब ये जो है हैवी रहने वाला अपना और मजबूत रहने वाला बेसिकली। इसकी फिटिंग जो होती है वो किस तरीके से? इसकी फिटिंग होती है भैया, ये स्पेस बना हुआ होता है, इस पर क्लैंप लग के फिटिंग होती है, पिंच लगेंगे आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये सारी जगह आपकी फिटिंग 1-2-3 ये सब जगह फिटिंग के हिसाब से पिंच दे रखे हैं, पिंच पे
पेंच पे फिटिंग होगा और फिटिंग बहुत अच्छी होती है। और ये प्रॉपर एसयूवी 300 का ये है। प्रॉपर एसयूवी 300 के लिए दूसरी ये ऐसा भी है, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो दूसरी गाड़ी में नहीं लग सकती। जैसे कि हम आपको दिखला दूँ, ये डिफ्यूजर सिर्फ एसयूवी 300 में ही लगेगा, ये दूसरे में नहीं लगेगा कभी भी। ठीक है, अगर इसको किसी को लगवाना हो तो प्राइसिंग क्या रहती है इसकी? अगर भैया कोई ये नीचे वाला लगवाता है तो अगर सिर्फ नीचे नीचे वाला चाहिए तो मैं आपको नीचे वाला भी दे दूंगा। फ्रंट एंड बैक दोनों चाहिए तो फ्रंट एंड बैक की कॉस्टिंग पड़ेगी 6500 रुपये की। इसमें एक फुल वाला भी आता है जो वेलकम कंपनी का होता है, वो आपको मैं 6000 रुपये का लगा के दिखा दे दूंगा। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने दिखला रखा है और मैंने लगा भी रखा, देख लेना उसे भी। तो वो जो है ऊपर तक आता है वो जैसे नीचे नीचे ये ओरिजिनल लुक वाला है। वो क्या होगा, ये बॉडी पे मतलब ये नीचे नीचे बम्पर पे लगेगा, वो पूरी बॉडी पे लगेगा, नंबर प्लेट के ऊपर होता होगा। वो 6000 रुपये का 6500 का दोनों लगा के बता दो। तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जिसके लिए आपको हमने रोके रखा है। तो नीलेश भाई अब बताइए क्या रहने वाला है आपकी तरफ से? तरफ से नहीं, W4 टू W8 पे कोई भी बंदा जाना चाहेगा महिंद्रा जेन्युइन आफ्टर मार्केट, ठीक है, इस पे मैं आपको दे दूंगा 20% डिस्काउंट टोटल काम पे। अगर आप कहोगे एक एक पीस पे तो भैया एक एक पीस पे कोई डिस्काउंट नहीं हो पाएगा। बेस टू टॉप जो भी बंदा W4 टू W8 जाएगा उसको ओरिजिनल MRP चेक करवा के 20% डिस्काउंट होगा। ओरिजिनल MRP पे 20% सपोज करिए 8000 रुपये कोई आइटम है तो उससे 20% ऑफ होगा। अगर आप कहोगे भैया मैं क्या इतना W6 ले आया, मुझे एक आमलेस लगा दो, भैया उसमें कुछ नहीं होगा। आमलेस की मैंने आपको कॉस्टिंग बता दी है 71 MRP है, ऐसा नहीं उसके लिए भी उनके लिए भी डिस्काउंट नहीं है, उनके लिए भी डिस्काउंट है। 71 MRP है प्लस लगाने की लेबर है, उसके बाद मैं आपको 6800 लगा के बता रहा हूँ। अब आप समझो सिंगल में भी थोड़ा बहुत जो है उसमें भी दिखाई थे, बाकी जो पूरा काम करवाएगा उसके लिए उनके लिए 20%। तो 20% डिस्काउंट के लिए आपने आना है नीलेश का एस सीरीज करोल बाग में, और काफ़ी अच्छा काम जो है नीलेश भाई करते रहे हैं, पहले से भी काफ़ी जो SUV 300 Nexon मॉडिफाई कर चुके हैं। नीलेश भाई अपना एड्रेस क्या रहता है? मेरा भैया जो एड्रेस रहेगा ये रहेगा 15/1015 सुंदर प्लाजा पदम सिंह रोड। हमारी दुकान के सामने MCD कार पार्किंग है, पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है, दुकान के बाहर भी पार्किंग है, सामने पार्किंग ग्राउंड है, गाड़ी पार्किंग में भी काम होता है, शॉप पे भी काम होता है। तो अपने आंखों के सामने काम जो है गाड़ी के अंदर करवा, जैसा आपको करवाना है खड़े होकर करवाना है, वायरिंग वगैरह चेक करनी है वो भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की कोई कटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं मिलेगा, आपकी वारंटी में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो कंपनी वारंटी देगी हमारे सामान की उनकी भी वारंटी होगी, और जो आपकी कंपनी की वारंटी उनकी भी वारंटी आपको ऐसी मिलेगी। तो जिन भाइयों को वीडियो में कुछ समझ ना आया हो या फिर किसी की जानकारी चाहिए तो नीलेश भाई का नंबर नीचे मेंशन मैंने कर दिया है, आप यहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी गाड़ी मॉडिफाई करा सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।